नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के नजदीक प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक ऐसे शातिर पिता को गिरफ्तार किया है जो आरोपी पिता अपने दोनों बच्चों से नशे के लिए नकाबजनी और चोरियों की वारदात को अंजाम दिलाता था। पुलिस ने नाबालिग बालक को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं नाबालिग बच्चों और उसके पिता से 17 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के उषा नगर में मौजूद प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में देर रात नाबालिग साइकिल से आए और दोनों बच्चों ने ताला तोड़कर दुकान में रखे मोबाइल फोन और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों नाबालिग सहित बच्चों के पिता को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जहां उसके पिता अपने 14 साल और 16 साल के नाबालिग बच्चों से चोरी की वारदात करवाता था। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं अन्य चोरियों की घटनाओं के लिए भी पूछताछ कर रही है। लगातार चोरी घटनाएं बढ़ने के कारण में इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया और उसके बाद टीमें गठित करी गई थी। टीम ने काफी मेहनत से लगभग 100 से ज्यादा फुटेज को खंगाल कर जो आरोपी नजर आ रहे थे वो दो बाल अपचारी समझ में आ रहे थे जो साइकिल पर आए थे, उनको पीछा करते करते उनके घर तक पहुंचे और उनको दबिश देकर उनको पकड़ा गया। दबिश में उनके पिताजी को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जो चोरी के मोबाइल गए थे वो उन्होंने अपने घर के पीछे अन्य जगह पर छुपा के रखे हुए थे, जो कि सारे 17 के 17 मोबाइल्स और साथ में एक चार्जर और दो ईयरबड्स ये भी रिकवर हुए हैं। पूछताछ करने पर ये बात सामने आई है कि जो पिता हैं इन दो बाल अपचारियों के, ये पिता पहले से आपराधिक रिकॉर्ड होल्डर हैं और इनके कई अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं। ये बच्चों का इस्तेमाल करके चोरी घटना को अंजाम दिया करते थे, नशे के आदी हैं, इसलिए सामान को एक एक करके बेचते, उससे लगातार पैसा कमाते थे और अपना नशा करते थे। इनका बच्चों की भी कई बार चोरी की घटना करने की शिकायतें हुई हैं, मगर बाल अपचारी होने के कारण कई छोटी छोटी चोरी की शिकायतें हुई थी, जिससे मोहल्ले वाले परेशान थे। इस प्रकार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे चोरी किया गया सारा मशरूका बरामद किया गया। जी, कड़िया सासी गैंग से जुड़ा हुआ कनेक्शन तो अभी तक कोई सामने नहीं आया है। ये यहीं लोकल रहने वाले हैं। ये बच्चे और पिता साथ में संगनमत होकर ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया करते थे। मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।